नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर अराइजर्स कोटा में। और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, शुभम शर्मा। दोस्तों, मेरे बारे में ये जानकारी, जिसको जो भी ये पढ़ना चाहे वो ज़रूर पढ़े। बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर कैटिया का नंबर 18 है और आज हम सीखेंगे फिर से 3D की कुछ नई कमांड्स जो कि हमारी ड्राइंग में बहुत हेल्पफुल होंगी। दोस्तों, बात करें टारगेटेड ऑडियंस की, तो इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के हैं, फैकल्टीज और टेक्निकल स्टाफ, मैकेनिकल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और इंजीनियर्स, और अंत में वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना या सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं सीधे हमारे सॉफ्टवेयर में और सीखते हैं आज की नई कमांड। दोस्तों, मैंने ये कैडिया खोल रखा है आपके लिए, तो आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है रिप कमांड। बेसिकली ये इस टाइप से शो होता है इसका आइकन। तो रिप कमांड का बेसिक यूज जब आता है, जब आपको कोई स्पाइरल ड्रॉ करना है और एक प्रोफाइल कंटूर उसके ऊपर बनाना है। किसी कंटूर पे पर्टिकुलर प्रोफाइल ड्रॉ करने के कमांड को हम रिप कमांड कहते हैं। मैं एग्जांपल से इसको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया। अब इस प्लेन पर मैं एक स्प्लाइन बनाता हूँ दोस्तों। तो स्प्लाइन आपको दिख रहा होगा, ये स्प्लाइन है। मैं इसके ऊपर एक स्प्लाइन बनाता हूँ। दोस्तों, ये मेरा स्प्लाइन रेडी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर मेरे को एक वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कंटूर को फॉलो करके हुए एक रिब केस बने। तो देखिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले एग्जिट करना होगा, फिर जो भी कंटूर मैं इस पे ड्रॉ करना चाहता हूँ उसका मुझे प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरा कंटूर यहाँ से शुरू हो, इस पॉइंट से, तो मैं इसके ही बराबर में एक प्लेन लूंगा और इस प्लेन पर मैं स्केच करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर मेरे को एक सर्कल ड्रॉ होता हुआ मिले, तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल का डायमीटर मैं ले लेता हूँ, एज यू से 20 mm। तो ये सर्कल का डायमीटर लेते ही हम बाहर आएंगे। अब मैं रिप केस कमांड सेलेक्ट करूंगा। रिप कमांड सेलेक्ट करने में मुझसे ये कुछ चीजें पूछेगा, जैसे कि मुझसे पूछेगा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल वो चीज होती है जो आपको ड्रॉ करनी है, जो किसी कंटूर पे ड्रॉ करनी है, यानी कि क्लोज लूप। तो क्लोज लूप हमारा सर्कल है। अब ये पूछता है हमसे सेंटर कर्व, वो कर्व जिस पे आप ये लूप फॉलो कराना चाहते हो। तो वो कंटूर की वैल्यू हमने ये दे दी। अब इसके अंदर आपको रिप मर्ज एंड इसके अंदर आपको नहीं जाना है। आप इसको बेसिकली सिंगल प्रीव्यू कीजिए और ये रिप कमांड बन गया। तो बेसिकली आपने देखा कि हमने एक कंटूर ड्रॉ कर लिया है इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग इस पे वर्क करते हैं। और ये आप और भी कई चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस तरीके से हम लोग इस पे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी स्लॉट कमांड। तो स्लॉट कमांड का यूज हम करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्केच बनाया है, इसके लिए पहले मैं एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने प्लेन ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल का। इसकी मैं पैडिंग कर देता हूँ, मिरर बोथ एक्सटेंड्स, और 10 mm की इसकी पैडिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब ये जो मेरी ड्रॉ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सर्कल बनाई है, आर्क जो है मेरी, ये इसके अंदर स्लॉट बना दे, एक स्लॉट बेसिकली एक पतमाला सा बना दे, ताकि मैं इसका यूज अपने अकॉर्डिंग कर सकूं। तो इसके लिए मुझे रिप कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेम वही चीजें जो हमने यहाँ पे करी थी रिप केस में, सेम वही चीज है। प्रोफाइल का लेना है हमें, कर्व लेना है, और ये स्लॉटिंग कर देगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इसने स्लॉटिंग कर दी है। और इसके अंदर अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक स्लॉट बन गया है, आपको ये दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल के अंदर स्लॉट। और जिनको भी ये नहीं दिखा है, जो अभी भी कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए मैं इसको एक बार फिर से इसकी पैडिंग कम करके दिखा देता हूँ।
मैं इसकी पैडिंग को पाँच एमएम तक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये बेसिकली हमने एक स्लॉट डिज़ाइन कर लिया है। इस तरीके से हम रिप कमांड और स्लॉट कमांड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको सिखाऊंगा, और वो है स्प्रिंग्स बनाना, स्प्रिंग्स और स्पायरल बनाना। तो स्प्रिंग्स बनाने के लिए हमको थोड़ा सा पार्ट्स को स्विचेस मारना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट पे जाने के बाद हम लोगों को शेप्स में जाना पड़ेगा, शेप्स में जाने के बाद जनरेटिव शेप डिजाइन्स में जाना पड़ेगा। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये जैसे ही ओपन होता है तो दोस्तों आपके सामने ये कमांड खुल गई है। अब आप यहाँ पे स्प्लाइन देख रहे हैं, इस पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको कई सारे इसमें फीचर्स दिखेंगे, जैसे स्पायरल बनाना है, हेलिक्स बनाना है, स्पायरल बनाना है, और कई सारे कंटूर्स आप प्लेन के थ्रू होते हुए भी जा सकते हैं स्प्लाइन को। तो हम पहले इसमें स्पायरल की मदद से हेलिक्स बनाएंगे। हेलिक्स बनाने के लिए दोस्तों आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए वो एक्सिस जिसके अबाउट वो इस हेलिक्स रोटेट होगा, हाइट दी जाएगी, और एक स्टार्टिंग पॉइंट हेलिक्स का। स्टार्टिंग पॉइंट हेलिक्स का देने के लिए मैं पॉइंट कमांड का यूज करके बता सकता हूँ। तो वापस से चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, पार्ट डिजाइन पे, और वहां से हम लोग इसके अंदर एक इसको पॉइंट देंगे। पॉइंट किस तरीके से देना है ये आप सबको मालूम है, चाहे तो आप बाहर से भी दे सकते हैं। मैं इसको पॉइंट देता हूँ यहाँ से अंदर स्केचिंग में जाकर के, और साथ ही साथ इसकी डायमेंशनिंग भी कर देता हूँ। इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि कितना दूर है मेरा, स्पायरल का डायमीटर कितना है। ये 209 है, मैं इसको 100 कर लेता हूँ ताकि मेरा स्पायरल थोड़ा छोटा बने। एक एक्सिस बनानी है तो उसके लिए मैं एक लाइन कमांड लेकर के इसको एक एक्सिस के फॉर्म में शो कर देता हूँ। अब मुझे इससे बाहर आ जाना है, देन आफ्टर मुझे हेलिक्स सेलेक्ट करना है। हेलिक्स सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे कई चीजें पूछता है, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं क्लिक कर दूंगा, देन आफ्टर ये मुझसे एक्सिस पूछ रहा है तो मैं एक्सिस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरा हेलिक्स बनके तैयार है। इस हेलिक्स को बनाने के लिए हम लोग पिच आप लोग जानते ही हैं पिच क्या होती है। पहले सबसे पहले मैं इसको हाइट दूंगा, हाइट देने से आप समझ गए होंगे कि क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये हाइट देते हुए ये हमारा स्पायरल हेलिक्स बड़ा होता जा रहा है। अब मैं इसकी पिच सेट करूंगा। बेसिकली हम जो डाया दे रहे हैं उस डाया का हाफ, उस डाया का वैल्यू हमको यहाँ मेंशन करना होता है। जैसे मैं चाहता हूँ इसके अंदर 10 है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डाया अगर 10 का है तो ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा रहे। मैं इसको 12 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। चलिए इससे हमें काफ़ी क्लियर भी कंसेप्चुअल रियलिटी आएगी। तो इसके बाद इस हेलिक्स को मैं हाइट दे करके साइड बाय साइड आप इसकी डायरेक्शन को काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, और आप इसकी स्टार्टिंग एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने जहाँ से इसको चेंज किया, आप चाहें कि ये इसके पर्टिकुलर कुछ एंगल पे शुरू हो तो वो एंगल भी आप इसमें दे सकते हैं। ये देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होता जा रहा है और ये यहाँ से शुरू होगा अब 37 डिग्री से। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अब बात करते हैं इस हेलिक्स को टेपर बनाने की। तो टेपर बनाने के लिए हमारे पास टेपर एंगल है, हम इसको टेपर एंगल देंगे तो ये टेपर एंगल पे टेपर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हेलिक्स जो है ये टेपर हो गया है, बेसिकली कोन की शेप का हो गया है। अब ये आपको इन्वर्ट करना है या आउटवर्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको आउटवर्ट भी कर सकते हैं, इन्वर्ट भी कर सकते हैं, और यदि कोई प्रोफाइल आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो भी इस पर बना सकते हैं। उसके लिए हमें प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी, तो वो अभी हमारे पास नहीं है प्रोफाइल, तो हम अभी इसको प्लेन रखते हैं। और एक मिनट, स्टार्टिंग पॉइंट एक्सेस फिर से देखिएगा, हाइट मैंने दी इसको 150 mm,
पिच मैंने दी इसको 15 mm, मेरा हेलिक्स बनके तैयार है। प्रीव्यू करेंगे, ओके करेंगे, कमांड सक्सेसफुल। अब बात करते हैं इसको मैं स्प्रिंग में कैसे चेंज करूं। तो स्प्रिंग में चेंज करने के लिए आपको वापस से पार्ट डिजाइन पे जाना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस प्लेन से जिस पॉइंट आपका जो हेलिक्स का पॉइंट है वो शुरू हो रहा है या कोइंसाइड हो। देखिए ये पॉइंट जो है इस प्लेन पर है, इसलिए हमने ये वाला प्लेन सेलेक्ट करा है। हम स्केच में जाएंगे और इसी सर्कल पर, इसी प्लेन पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इसके सेंटर पॉइंट से लेते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, जिसका डायामीटर मैं इसको 8 दे देता हूँ। 8 डाया मैंने इसको दे दिया है। अब वही सब कमांड, वही सब रामायण पूरी, रिब कमांड का यूज करेंगे। प्रोफाइल हमने सेलेक्ट कर रखी है, कर्व हमने ये सेलेक्ट कर ही लिया, और इसी तरीके से ये हमारा स्प्रिंग तैयार हो गया है। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी स्प्रिंग तैयार है। इस कमांड का यूज करके हम लोग स्प्रिंग बना सकते हैं, स्पायरल होल बना सकते हैं, थ्रेड्स बना सकते हैं, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा, स्किल्स बढ़ाते रहिएगा।